पहले इन मेहमानों का परिचय करा दूं और इसके बाद एक खास चीज होगी, फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। सत्य व्यास जी ये एक नॉवेलिस्ट हैं और इन्होंने अब तक बेस्ट सेलर्स जो किताबें लिखी हैं उसमें बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, 84 और लकड़बग्घा ये शामिल है। ये शौकिया लेखक हैं। नई वाली हिंदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लॉ स्कूल BHU से कानून में स्नातक हैं और लॉजिस्टिक प्रोफेशनल हैं। अपने नए युग की हिंदी लेखन में अपना स्थान बनाकर हिंदी उपन्यासों की शैली को बदल दिया है। आपने अब तक 4 बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए और इनकी कुछ किताबों पर वेब सीरीज भी आने वाली है। हमारे दूसरे मेहमान मनोज राजन त्रिपाठी हैं। खुद के सयाह का सफेद मैं ही हूं, खुद खुलासा खुद का भेद मैं ही हूं, सार शाश्वत कहूं तत्व भागवत कहूं, खुद पुराण खुद का वेद मैं ही हूं। 27 सालों से ये मीडिया में भी मीडिया से जुड़े रहे और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है समाचार संस्थान से की थी और बहुत सारी एजेंसियों के लिए अब भी लिखते रहते हैं और बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गेस्ट इन लंदन के डायलॉग भी इन्होंने ही लिखे थे। कोड काकोरी नाम के इनके जो उपन्यास उसके लेखक हैं और जो हमारे गौतम राजश्री जी ये हमारे तीसरे मेहमान यहां पर हैं। लम्हा गुजर गया है कि अरसा गुजर गया है, कौन वो जो वक्त की साजिश ये कर गया, अब उम्र तो ये बीत चली सोचते तुम्हें, इतना हुआ है हां कि जरा मैं संवर गया। तो ये पराक्रम पदक सेना मेडल से सम्मानित गजल जाने माने भारतीय सेना में कर्नल गौतम राजश्री की है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाई। ये अभी अपनी ड्यूटी में जब फुर्सत से होते हैं तो कलम उठा लेते हैं। ये यूं कहें कि जब कोई मिसरा नहीं बुन रहे होते हैं तो उस वक्त अपने कंधे पर लगे सितारे और सीने पटके पदकों की दमक थोड़ी और बेहतर कर रहे होते हैं। आप गजल के साथ साथ कहानियां, कविताएं, डायरी इन तमाम विधाओं में भी लिखते हैं। आपकी कई कहानियां अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारे आखिरी मेहमान दिलीप के पांडे, दिल्ली वाले आप सब जानते होंगे, आम आदमी पार्टी नाम मशहूर है। मुझे उम्मीद है एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो मुझी को खींच लेगा जैसे कोई खींचता है डोर अपनी ओर। ये कविता दिलीप पांडे साहब की है। ये उत्तर पूर्वी प्रदेश के छोटे से कस्बे जमानिया से हैं और इन्होंने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। शुरू से ही इन्हें लिखने का शौक है। अखबारों में, पत्रिकाओं में लेख कहानियां लिखते रहे हैं और इनकी खास एक पहचान यह है कि ये भ्रष्टाचार से जमकर लोहा लेते हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचार विरोधी नॉन प्रॉफिट संस्थान UNCAC के ये आजीवन सदस्य भी हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, दहलीज पर दिल, खुलती ग्रहें और कॉल सेंटर। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट भी थे और अब आम आदमी पार्टी की आवाज़ है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो ये हमारे 4 मेहमान जिनका मैंने आपसे परिचय कराया और आज की बातचीत शुरू करूं। उससे पहले ये मेरे लिए भी फख्र की बात है, सत्य व्यास साहब की एक नई कहानी, नया नॉवल इसी मंच पर पहले उसका विमोचन करते हैं और फिर बातचीत शुरू करते हैं। तो सत्य व्यास जी और आपकी वो नई शाहकार कहाँ है, लाया जाए? शायद मौत तो आनी है, मौत बुलाती है ये नाम है। आप लोग डरिया का मत, आप लोगों के लिए नहीं है वो, इन्होंने यूक्रेन लीबिया वीबिया के लिए लिखा है ना। आई मौत बुलाती है जाने का नहीं, जाने हाँ मौत बुलाती है जाने का नहीं। शशि ने अच्छा कहा। दुल्हन की घूंघट की तरह जोरदार तालियां। देखिए मौत बुलाती है, पिस्टल भी है, कारतूस भी है, कुछ खोखे निकल चुके हैं और नीचे लिपस्टिक भी है। ये भी एक हथियार है इनकी नजर में। बहुत बहुत बधाई है आपको व्यास साहब। हमारे बीच में इस वक्त एक वकील हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एक कर्नल साहब हैं और एक पॉलिटिशियन है और इन सब के बीच मैं यहाँ खड़ा एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ। अब मेरे मन में जो पहला सवाल वो ये है कि एक वकील, एक कर्नल, एक पॉलिटिशियन
और एक जर्नलिस्ट, आप सबको लिखना ही था, तो मेरी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहे हैं आप लोग? ये सभी क्राइम पे ही कहानियां लिख रहे हैं। तो पहले मैं आपसे ही, चूंकि आपकी किताब का विमोचन हुआ है व्यास साहब, आपसे पूछूंगा कि ये खून खराबे की कहानियां लिखने का आइडिया कहाँ से आया? क्या आपको लगता है कि समाज में ज्यादा हो रहा है तो और आप बढ़ाएं, या फिर कहीं और से प्रेरणा मिली? हेलो, बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया, और पहला बाउंसर मुझे पर मारने के लिए क्योंकि शुरुआत के दूल्हे आप हैं ना जी। समझी, मैं यूं नहीं था कि मैंने कुछ सोच के और थ्रिलर लिखा था, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे जॉनराज में कहानियां लिखी हैं, मैंने रोम कॉम भी लिखा है, मैंने आपको माइथोलॉजिकल फिक्शंस भी लिखे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर था कि आसपास हो रही जो घटनाएं थी उससे उसको भी शब्द देने की मेरी कोशिश थी, और ये कोशिश इसलिए भी थी कि जिसे हम एक कोट अनकोट में बांध देते हैं कि क्राइम फिक्शन, उसका दौर जा रहा था। किताबों की शक्ल में जो है हम सन 2000 या उसके पहले हम पढ़ भी पाते थे, सन 2000 के बाद ये बिल्कुल ही बंद हो गया था। उसका कारण एक ये भी था कि किताबें नहीं आ रही थी, और दूसरा कारण ये था कि नए जमाने के जो क्राइम्स थे उनकी कहानियां नहीं आ रही थी। आज भी जो फिक्शंस लिखे जा रहे थे वो वैसे ही लिखे जा रहे थे जो सन 80 में हुआ करते थे। उसमें जितनी भी चीजें आप समझें कि ये टेक रेवोल्यूशन के बाद आई, उसका कोई जोड़ नहीं था। मुझे ध्यान है कि मैं 2015 या 16 में एक किताब पढ़ रहा था, उसमें आज भी जो है वो क्रिमिनल टेलीफोन पे कॉल कर रहा था पुलिस को, ये एंड ऑल दैट, और वो हम दिखा रहे थे कि वो पुलिस भी अपने घर में अपने लैंडलाइन से फोन उठा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मेरी, और मैंने एक दफा लिखने की कोशिश की तो मेरे भांजे ने बताया कि मामा जी आपने दो नंबर चार नंबर का फोन नंबर क्यों लिखा है 2042, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लैंडलाइन के नंबर इस तरह हुआ करते। तो ये जो पूरी चीजें चेंज हुई ना, इसकी कहानियां नहीं आ रही थी। जो क्राइम का तरीका चेंज हुआ उसकी कहानियां नहीं आ रही, समाज का जो बनावट चेंज हुआ जिसकी वजह से तरीके नए हुए और उसको सुलझाने के सलीके नए हुए, वो नहीं आ रहे थे। तो मेरे जहन में वो बातें थी कि जो आज के हिसाब से कहानियां हो रही हैं या जो क्राइम हो रहा है उसको फिर कैसे दिखाया जाए, यही सोच के फिर मैंने अपनी किताब लिखी। जी, आपके बराबर में ही बैठे, मैं चाहता हूँ माइक उधर से इधर ही आ जाए। कर्नल साहब, वैसे तो कहते हैं बिगेस्ट क्राइम वॉर है, और आप कर्नल हैं सेना में, आपने भी क्राइम की कहानियों को बड़े शौक से शिद्दत से चुना, तो आपको लगता है कि सरहद के उस पार छोड़ो, सरहद के अंदर ज्यादा ही इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए क्यों नहीं इसी में कुछ किया जाए, या कुछ और वजह थी? दरअसल अगर हम अपराध की बात करें, क्राइम की बात करें, उसमें फिक्शन की बात करें, तो सबसे ज्यादा बात करने वाली, कई तरह के अपराध होते हैं, चोरी डकैती, लेकिन मर्डर इज द मोस्ट लाइक वन सबसे ज्यादा। और मैं इन्फेंट्रीज का सोल्जर हूँ, कई सारे इनकाउंटर देखे, तो मैं तो इंसान के जान लिए, तो मर्डर एज सच, किसी की जान लेना का, जितने हम बैठे हुए हैं उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे था वो और किसी को नहीं हो सकता। तो जाहिराना तौर पर अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा ही क्राइम। दूसरी बात, जैसे सत्यव्यास ने कहा, हम सब जो हिंदी से जुड़े एक पाठक के तौर पे, तो शुरुआती दौर की जो पाठ सामग्री हमारे हाथ में ही क्राइम फिक्शन थी। हम सब ने, सत्यव्यास तो जानने वालों को बता दूं कि बहुत बड़े कलेक्टर्स हैं, इनके पास खजाना है उन किताबों का, जिसको हम पल्प फिक्शन या लुगदी साहित्य का नाम देते हैं। तो पढ़ना वहीं से शुरू हुआ, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, जितने भी नाम हैं। फिर बाद में जब विजन बढ़ा, पढ़ने की क्षमता बढ़ी, तो ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन को पढ़ना, तो सर पूरे टाइम क्राइम फिक्शन ही पढ़ते रहे। तो पढ़ते पढ़ते यूं लगा, जैसे कि सत्य कह रहे थे कि कुछ कहानियां मुझ में लिखने का कौशल है, तो कुछ कहानियों को मैं बेहतर ढंग से कह पाता हूं। तो वही बाकी परिचय में आपने कहा, जब ड्यूटी से फ्री होते हैं तो कुछ कहानियां, कुछ प्लॉट जो मन में चलते थे उनको कागज पर उतारने की कोशिश की। यही आगे सवाल बढ़ाता हूँ मनोज राजन त्रिपाठी जी आपसे, अपराध की गलियों में आपको घूमने का शौक क्यों हुआ, क्यों क्राइम को ही चुना आपने लिखने के लिए? आपने बड़े अलग अलग फील्ड में भी काम किया था सब्जेक्ट पे। हाँ बिल्कुल सही बात है शम्स भाई, और बड़े अच्छे गायक भी हैं। तो
क्राइम पर ही बात आ रही है, तो मेरी किताब थी कोर्ट काकोरी, तो उसमें लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला की नेकेड बॉडी मिली थी, आपको भी याद होगा। उस बॉडी को लेके पुरुष समाज जो था वो बहुत चर्चा कर रहा था उसकी बॉडी शेप को लेके, तो मुझे लगा क्या ऐसा भी हो सकता है। देन मैंने काकोरी वर्ल्ड बनाया, जहां पे 1921 में काकोरी कबाब आया, जो यहां टपरी से लेके और मेडिसिन स्क्वायर तक है, वही 1924 में काकोरी कांड हुआ जहां खजाना 8,000 का लूटा गया, वही काकोरी जो देश का सबसे बड़ा चिकन सप्लायर, चिकनकारी, और वही काकोरी सबसे बड़ा क्रैकर सप्लायर भी है, और सबसे बड़ी बात मंगल ग्रह पे काकोरी नाम का एक क्रेटर है। तो मेरे पास ये एक वर्ल्ड था, इस वर्ल्ड में मैं इस मर्डर को लाया और काकोरी कांड को उठा के 2022 में फिट किया मैंने। तो जब काकोरी की कहानी चलती है तो उसमें तीन तरीके की लेयरिंग है, हिस्ट्री, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी चलते हैं, काकोरी कबाब भी चलता है, क्रेटर भी चलता है, और मर्डर भी रिवील होते जाते हैं, बट वो एक बाप और बेटे की एक बड़े जुड़ाव की कहानी है। लेटेस्ट मैंने जो किताब लिखी वो कसारी मसारी लिखी। कसारी मसारी वो जगह जहां अतीक अहमद ने पहला क्राइम किया था, एक जंगल था, और वो था। जी, और वो कसारी मसारी जहां 40 साल के आतंक के बाद अतीक अहमद को दफना दिया गया। अतीक अहमद का मर्डर मेरे लिए काफी खतरनाक इसलिए था कि वो टीवी पर लाइव चल रहा था। मैं टीवी पर पिछले 17-18 साल से काम कर रहा हूं, मैंने लाइव नहीं देखा, डेफर्ड लाइव देखे तो लाइव नहीं देखा। तो मैंने 54 दिन वो चुने जब वो साबरमती जेल से निकला है और जब उसका मर्डर हो गया। तो ये बात रही है कि आखिर उसका मर्डर कैसे हुआ, लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे उसको आर्किटेक्ट किया। टर्की मेड पिस्टल जिगाना, जिनकी जेब में 900 रुपए नहीं थे, वो जर्नलिस्ट का भेष बदल के उसको मार रहे थे 9,00,000 की पिस्टल से। वो चली टर्की से अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान आई, ड्रोन ड्रॉपिंग से इंडिया आई। कैसे स्टेट पॉलिटिशियंस ने उसको स्टेज किया, कैसे डिजाइन किया, उस मर्डर के 54 दिन की वो कहानी। हां, लास्टली आपको यह बताना चाहता हूं कि क्राइम की जहां तक बात आई तो सबसे पहले मैंने दुनिया की सबसे अच्छी किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था रामचरितमानस। मुझे केकई सबसे माइंड गेम वाली लगी उसमें, मुझे भगवान राम उसमें बाली के साथ एक साजिश करते नजर आए, मुझे रावण उसका विलेन नजर आया, और फिर मुझे एक चीज नजर आई कि कैरेक्टर दो तरीके के होते हैं, या तो स्याह या सफेद, लेकिन स्याह और सफेद जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो कलर होता है ग्रे, और ये कलर क्राइम फिक्शन में ये कहलाता है कि यहां सब के सब विलेन है, और जो सबसे बड़ा विलेन है वही कहानी का हीरो है और वही क्राइम का वर्ल्ड है। बहुत सही, आपने अभी अतीक अहमद की बात की और उस तस्वीर की बात की, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं टीवी पे, अगर दो ऐसे विजुअल हमेशा याद रहते हैं मुझे, एक 9/11 यूएस का जब ट्विन टावर में प्लेन टकराता है, आप कभी भूल नहीं सकते, और एक अतीक और अशरफ का जब कैमरा ऑन है और अचानक तीन लोग आते हैं और गोली चलाते हैं और पुलिस वाले आराम से देख रहे हैं और उसके बाद वो हाथ उठा देते हैं। खैर, हमारे अगले गेस्ट से वही सवाल फेंकूंगा, दिलीप पांडे साहब से, लेकिन उससे पहले एक लाइन, आप पर्सनल मत लीजिएगा। वैसे भी कहते हैं आप चूंकि राजनीति से हैं, राजनीति और क्राइम का बड़ा चोली जामन का साथ है, हर पार्टी में सारे अपराधी भी भरे पड़े हैं, तो आप राजनीति में रहते हुए अपराध की किताब लिखने की आपने सोची कैसे? ये पुराना शौक था या तो राजनीति बात की? सबसे पहले तो शम्स भाई, इस मंच पे जो लोग हैं, ये कंप्लीट रेसिपी है आपकी अगली किताब के लिए जी। आप देखिए, आपने कहा एक वॉर हीरो है, हमारे कर्नल साहब हैं, सत्य भाई हैं, जिनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो लॉयर का है, और उसके बाद वो क्राइम लिख रहे हैं, मनोज भाई हैं, फहरिस्त बनानी पड़ेगी कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, गीत गाने से लेकर के क्रिकेट खेलने से लेकर के किताब लिखने तक, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है इन्होंने, मतलब ये क्या कर अभी बात हो रही तो बोले मैं कन्फ्यूज रहा, इसलिए सब करता गया कि मैं क्या कर सकता हूँ ठीक से। तो ये पूरी रेसिपी है आपके लिए, आपकी अगली किताब के लिए एक मशवरा है मेरी ओर से। दूसरी बात, बिल्कुल सही कहा आपने, सियासत, सिस्टम, अपराध, ये सब आपस में इतना मिला जुला है, इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि इनको एक दूसरे से अलग करके देख पाना बड़ा मुश्किल है। क्राइम फिक्शन पहले हमने नहीं लिखा, हमने पहले उपन्यास लिखे, बाल कहानियाँ लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और पहली बार अपराध लेखन की तरफ हमने रुख किया, जिस किताब के आवरण का लोकार्पण इस पैनल डिस्कशन के आखिरी में होगा, उस किताब का नाम है गुलाबी खंजर, सत्या भाई की किताब
का जो आवरण था उसमें भी कुछ गुलाबी था, कोई एक हथियार था, हमारी किताब में भी कुछ गुलाबी होगा, कोई एक हथियार होगा जिसको हम अभी आपके दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन मैं बात को उठा रहा हूँ मनोज भाई की बात से। ऐसा नहीं कि कई बार जब लोग बात करते हैं अपराध लेखन की तो वो यहाँ सिमट जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ लिखा गया या अगाथा क्रिस्टी ने लिखा या उसके पहले किसी ने वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखा तो उससे इंस्पायर होकर पहले हमने ट्रांसलेशन से शुरुआत करी। ऐसा नहीं है, हमारी माइथोलॉजी उठा के देखिए, रामायण से भी पहले अगर आप जाएंगे तो विष्णु पुराण अगर आप पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी क्राइम फिक्शन है। मैं आपको बताऊं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी क्या है, बताइए आप। वही है, हिरण्याक्ष की हत्या होती है, उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप जो है वो आगे बढ़ता है। फिर तो बड़ा सुंदर रिफरेंस दिया मनोज भाई ने बाली वाला। जब अपराध लेखन लिखा जाता है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाली का किरदार कितना सलीके से बुना गया है कि आप अगर पढ़ते हैं तो बाली से सहानुभूति भी होती है आपको, और फिर आपके मन में एक समय ऐसा आएगा कि सुग्रीव की जो चालबाजी है उसके प्रति आपके मन में द्वेष भी पैदा, ये क्यों किया यार, इसने बदला लेना था, खुद लेता, राम को आगे किया और मरवा दिया, बताओ बेचारे को। अच्छा जब पूरा आप लपेटते समझ में आता है कि पूरा मामला कम्युनिकेशन गैप का था। तो जो बुनाई है कहानी की बहुत रोचक बुनाई है, और ये बुनाई खाली यहीं पे नहीं है रामायण में। आप देखिए कि पहला ऑर्गेनाइज क्राइम दिखता है हमारे को जब वो हिरण बन के आता है मरीचि, वो ऑर्गेनाइज क्राइम का एग्जाम्पल है। आज हमारे समाज में ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, उस समय क्या हुआ, किडनैप करना है, रावण ने अपने एक रिलेटिव को ठेका दिया, सुपारी दी कि भाई ये वाला काम करना है तुमको, कैसे करना है तुम जानो, उसने एक प्रपंच रचा, उस प्रपंच के तहत जो है सीता का हरण करने की पूरी योजना बनी। दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम फिक्शन राइटिंग दैट वी हैव एवर सीन। तो आप अगर वहां से खींचना शुरू करेंगे तो खींचते खींचते वहां से लेकर के और पल्प फिक्शन तक आता है। मैं पल्प फिक्शन की बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय लेखन में, कि जब टैरेंटिनो ने पल्प फिक्शन क्रिएट किया, को ऑथर किया था उसको, और उसको जब क्रिएट किया तो एक्चुअली में पल्प फिक्शन इट हैज अ डीपर मीनिंग इनटू इट। आप फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पल्प फिक्शन खाली ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस दौर के अपराध के दुनिया में जो हुआ उसको खाली कहीं दर्ज किया जा रहा है कलम के माध्यम से, इट हैज गॉट अ डीपर मीनिंग। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जगह रेफरेंस आता है बिग मैक करके, एक जो बोलता है कि इट्स नॉट अ, तो बिग मैक क्या है, हेलीकॉप्टर है भाई, कोई चॉपर है कोई बड़ा सा। तो उस समय की सोसाइटी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों का जो एस्पिरेशनल एलिमेंट है उसको दिखाता है पल्प फिक्शन। वहीं आ जाइए आप हिंदुस्तान के अंदर तो वर्दी वाला गुंडा शुरू होता है और पता नहीं क्या क्या शुरू होता है, और बड़ा कलेक्शन कलन साहब बता रहे थे सत्य भाई के पास भी, वो भी वो उस समय की नई हिंदी थी, सत्य भाई उस समय की नई हिंदी थी जब पढ़ना लिखना मोहन राकेश सबको समझ में नहीं आ रहा था और पढ़ने की भूख थी तो उसको शांत किया। आज आप अच्छे आलोचक बन के बैठे और क्रिटिसाइज करें उसकी भाषा को, उनके लिखने के संयम को क्रिटिसाइज करें आप, लेकिन उस दौर ने कागज की किताबों से पढ़ने वालों को जोड़े रखने का बहुत बड़ा दायित्व निभाया है। तो वो यात्रा वहां से चलते चलते यहां तक आई, और अब जबकि फिल्में आ गई हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके पास है, गजब का कमाल हुआ पड़ा है, मतलब प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट लाइन ही खत्म कर दी है भाई साहब। जोकर फिल्म देखिए, टॉड फिलिप्स और स्कॉट विलर ने लिखी है जोकर फिल्म, जोकर की कहानी, आप एक किरदार को देख रहे हैं, इतना सुंदर ताना बना बुना गया है जोकर जो कैरेक्टर है उसके आसपास कि आपको सहानुभूति होती है पहले, फिर वो किरदार विलन में बदल जाता है तभी आपकी सहानुभूति खत्म नहीं होती। आप देखिए पूरे शहर में उस एक आदमी की वजह से दंगा मचा हुआ है लेकिन आप उसे नफरत नहीं कर पा रहे। ये देखिए आप कबीर सिंह को हीरो बना दिया गया है, पुष्पा में दरअसल जो हीरो है वो विलन है लेकिन वही हीरो है। तो ये पूरी की पूरी परिभाषा, पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट पे चलने की कोशिश करते थे, धीरे धीरे वो लाइन ब्लर हुई और अब तो पलट गया है, पता नहीं किसमें क्या मिला हुआ, पता नहीं भाई ये हो चुका है। असल में कि जब कोरोना आया उसके बाद ओटीटी आई तो क्राइम और क्राइम की जो सीरीज है, वेब सीरीज है, फिल्म है, उसमें एक क्रांति आई। हालांकि कई लोग ये पूछते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं यार अगर क्राइम नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, मेरा हमेशा ये मानना है कि इस दुनिया में जब दो आखिरी इंसान जिंदा होंगे तब भी क्राइम होगा और क्राइम रिपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो सामने कुछ और कहते हैं पीछे कुछ और। मैंने एक चीज़ अपने लंबे क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में महसूस किया है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लीजिए, आप सबके लिए होगा एक्सपीरियंस, आप भी पता कीजिएगा। आप शाम को कोई टीवी देख रहे हैं, वही डिबेट, वही लड़ाई झगड़ा, वही पॉलिटिशियन, वही 8-10 चेहरे,
अलग अलग पार्टी के एक ही सब्जेक्ट पर सभी को महारत हासिल है, लेकिन उसी दौरान में अगर एंकर कोई आता है आती और कहती है कि मुंबई में एक मॉडल के साथ बलात्कार, तो मेरा दावा अगर पांच लोग टीवी देख रहे हैं तो उनमें से एक बढ़ेगा, रिमोट उठाएगा, ऑडियो बढ़ा देगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम सब के अंदर एक मुजरिम छुपा होता है, एक क्रिमिनल है, लेकिन हम शरीफ लोग हैं, अच्छे फैमिली से हैं, तो उस क्रिमिनल को हम बाहर आने नहीं देते। हम मर्डर नहीं कर सकते, हम रेप नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें हम टीवी पर देख सकते हैं। यही चीज़ें खींचती हैं क्राइम की वेब सीरीज़ को, क्राइम की कहानियों को, क्राइम के नॉवल को, और इसलिए लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। ये मतलब मेरा अपना मानना, पता नहीं आप लोग कितने एग्री करते हैं। लेकिन जो दिलीप साहब आपने बताई, इसके बाद मैं थोड़ा सा नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ आपसे। मनोज भाई, आपकी जो कहानियाँ हैं, अपनी कुछ कहानी के बारे में आप लोगों को बताएं, उसके किरदारों के बारे में बताएं। मेरे जो किरदार कोड काकोरी में है वो सब रियल किरदार है। जैसे उसमें एक नसीम पपीते वाला है, तो नसीम पपीते वाला वास्तव में एक क्रिमिनल था जो एनकाउंटर में बाद में मारा गया। मेरा एक करेक्टर है चांद खोतरा, तो जब वो पैदा हुआ था तो उसका रंग जरूर मतलब काला था, लेकिन बाद में चेचक हो गई तो जैसे चूहे कुतर जाते हैं नोट को, तो चेहरा कुतर गया, तो उसका चांद खोतरा नाम हो गया उसका। ऐसे मेरे मैंने जो काकोरी कांड को 2022 में सेटअप किया है, तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम मैंने रखा है अशफाक उल्ला बिस्मिल। दोनों कैरेक्टर मिला के एक कैरेक्टर बनाया, पर जो कहते हैं ना भौतिक और रासायनिक गुण, वो ना अशफाक उल्ला से मिलते हैं ना रामप्रसाद बिस्मिल से मिलते हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं। बाकी अब आते हैं कसारी मसारी पे, तो कसारी मसारी के सारे कैरेक्टर ओरिजिनल ही हैं। मुलायम सिंह यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, अमित शाह भी हैं, अतीक अहमद भी है, उसका भाई अरशद भी है, टिल्लू तेजपुरिया भी है। सर वो असल में वो लोग टिल्लू तेजपुरिया को ही मारने गए थे पहले रोहिणी कोर्ट में, लेकिन रोहिणी कोर्ट में टिल्लू तेजपुरिया ने पहले ही उसको मरवा दिया। मैं उसका नाम भूल कर रहा हूं, तिहाड़ में टिल्लू तेजपुरिया की मौत हुई थी, टिल्लू तेजपुरिया को बाद में लॉरेंस ने मरवाया। तो वो कहानी शुरू वहीं से होती है कि जहां पे वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पंजाब के गुरदासपुर में, ऊंचा टकला गांव में, वहां पे। तो कैरेक्टर्स वास्तव में इसी तरीके से आते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि डाइनिंग टेबल में 56 जायके आप गायब कर दीजिए, तब भी एक नमक की टेबल, एक नमक की शीशी वहां पे होगी, और डाइनिंग टेबल में आप 56 जायके रख दीजिए तब भी एक नमक की शीशी वहां पे जरूर होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सोडियम, एंड व्हेन सोडियम इज देयर, साल्ट इज देयर, एंड साल्ट इज नोन एज क्राइम। और ये क्राइम जरूर रहेगा, ये क्राइम आपने जो भी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, मैं तो कहता हूं भगवान राम ने भी क्राइम किया था, भीष्म पितामह भी ग्रे करेक्टर थे। दुर्योधन को हम ग्रे हम विलेन मानते हैं, तो क्या युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी आदमी ने अपनी बीवी को दांव पर नहीं लगाया था क्या? तो यही सारे करेक्टर हम समाज से लेते हैं। और हाँ, मेरी कहानियों के करेक्टर बिल्कुल सच्चे होते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं, सीधे होते हैं। एक त्रिपुरारी पांडे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लंबे समय से क्राइम के बारे में जानते हैं। त्रिपुरारी पांडे वो व्यक्ति है जो सिंपल सिपाही था, और प्रमोट होते 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 वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। ये उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, इसलिए बन गया। और त्रिपुरारी पांडे का करेक्टर मेरे कोट काकोरी में है, और मेरी कसारी मसारी में भी है। मेरी कसारी मसारी में एक स्ट्रिंगर है मुन्नालाल पत्रकार, वो कोट काकोरी में है। तो यहीं से करेक्टर लेते हैं। हो सकता भी मैं उठूं यहां से और शम्स भाई मेरे लिए किसी एक कहानी में करेक्टर हो, सत्या भाई हो, पांडे जी हो, सब लोग करेक्टर हो सकते हैं। कर्नल साहब मेरे क्राइम पेश करते हुए, सर करते हुए नहीं, क्राइम पेश करते हुए, क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए आपके कहानी में करेक्टर ना आऊं ऐसा नहीं है। सर मेरे सारे करेक्टर सफेद ही नहीं और काले भी नहीं है, ग्रे है। तो आपने जो वो बात कही ना कि दिमाग में हर किसी के एक वो है, बैठा हुआ है क्रिमिनल। मैं यही से आपकी जो कहानी कसारी मसारी की बात की आपने, अतीक की बात की, कैसे फिर वो हुआ, एनकाउंटर की बात की आपने, लॉरेंस की बात की, कर्नल गौतम साहब आपने भी एक बात कही थी, और ये आप बहुत सही आदमी उसका जवाब देने के लिए, क्या आपने अपनी आंखों से जितने इनकाउंटर देखे शायद हम भी यहाँ पे बैठे हुए नहीं देखे। मैंने देखे, लेकिन जब गोली चल गई उसके बाद ही पहुंचता हूँ। बॉर्डर पर इनकाउंटर देखना अलग बात है। इस वक्त जो हमारे देश में इनकाउंटर का ट्रेंड है, हैदराबाद में जूनियर डॉक्टर का जब एक गैंगरेप हुआ, उसके बाद चार लड़कों को पकड़ा गया और फिर पुलिस कस्टडी में ही उनको मारा गया। अतीक अहमद का इन्होंने जिक्र किया, हम सबको ये था कि गाड़ी पलटेगी उसकी साबरमती से लेके प्रयागराज के बीच में,
गाड़ी नहीं पलटी, पुलिस कस्टडी में मारा गया। असद का यही था कि गाड़ी पलटेगी, लेकिन उसकी बाइक पलट गई थी, उसमें मारा गया। अब पब्लिक भी जो है ऐसे इनकाउंटर पे बहुत खुश होती है। हैदराबाद में मिठाइयां बटी, पुलिस वालों को फूल मालाएं पहनाए गए, और अब कोई सवाल नहीं करता, मीडिया भी सवाल नहीं करता। क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए सही है? और दूसरा इसी के साथ पैरेलल क्वेश्चन है कि एक तरफ अगर इनकाउंटर लोग इसलिए खुश होते हैं कि हाथों हाथ इंसाफ हो रहा है, तो क्या जुडिशरी जो है हमारी, जो 20-20 साल लगाती है हीनियस क्राइम में, जजमेंट में, कोलकाता जूनियर केस में अभी ये हुआ, ममता बनर्जी ने कहा 50 दिन में फांसी पे लटका देंगे। आप जोड़ लीजिए, अभी लास्ट मंडे को पहला ट्रायल शुरू हुआ है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, पता नहीं कहां तक, कितने साल जाएगा। निर्भया वालों को 8 साल लग गए थे फांसी पे टांगने में। तो ये दोनों सवाल एक साथ, एक इनकाउंटर जो हो रहा है और लोग अब जिस तरीके से उसे सोच रहे हैं, खुशियां मनाते हैं, कहते हैं अच्छा हो रहा है, दूसरा जुडिशरी इसमें कितना ही बड़ी मतलब विलेन है जो इतना लंबा टाइम लगाती है। थोड़ा सा दुविधापूर्ण सवाल है मेरे लिए। दरअसल सेना में होने के नाते और जितने भी डिस्टर्ब्ड इलाकों में पोस्टिंग रहा हूँ, हमारी पुलिस के साथ बहुत अच्छी सिनर्जी होती। पुलिस की कार्रवाई पर मैं कोई कमेंट करूँ, थोड़ा सा जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं मैं करना चाहता हूँ निश्चित रूप से। उन्होंने, चाहे हम वो हैदराबाद वाले केस की बात करें या इस गाड़ी के पलटने केस की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। पहली बात तो हमें पता नहीं है पुलिस किस तरह से इन्वॉल्व थी, नहीं बोलो जब तक वो ये कही सुनी बातें, आप तो माहिर हैं उन बातों को निकालने के लिए। तो जब तक उसमें ऑफिशियल तौर पे, मैं पुलिस के वर्जन जो डीजी पुलिस का वक्तव्य है उसके साथ जाना चाहूंगा। सवाल के अगले हिस्से में आते हैं कि जुडिशरी, इस सारे त्वरित न्याय या जो हम जो कॉमिक्स बुक में पढ़ते हैं विजिलेंट जो आते हैं सुपरमैन बैटमैन आगे के, पुलिस न्याय नहीं दिलवा पा रही है, न्यायपालिका न्याय नहीं दिलवा रही, तो कानून को अपने हाथों में ले, कहीं ना कहीं से यस कि जो हम 3 स्तंभ कहते हैं न्यायपालिका, उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आप समय से निर्णय को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में ले रहा है, एक सभ्य समाज के लिए निश्चित रूप से ये अच्छी पहल नहीं होगी। सत्या साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो आप मौत बुलाती है, और वही सवाल आगे बढ़ाता, मौत बुलाती है अलग अलग रूप में बुलाती है, लेकिन ऊपर वाला कुदरत बुलाए तो ठीक है, वो तो हर एक को जाना है, हम सबका दिन मुकर्रर है, फिक्स है, लेकिन जिस तरीके से आजकल मौत बुला रही है अलग अलग जगहों पर, न्यूज़ चैनल में आप देखते रहते हैं, कभी गैंग रेप, रेप, अभी लॉरेंस का कई बार जिक्र हुआ, एक आदमी, और हम क्या करें कि जो 10 साल से जेल में बंद है, 10 साल हो गए, आप क्या करती है पुलिस और कानून कि इसको ये पकड़ो और अंदर करो ताकि क्राइम कम हो? लेकिन यह उल्टा है, 10 साल पहले 2013 से पहले लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस था ही नहीं, एक बहुत ही मामूली गुंडा था। जब वो तिहाड़ पहुंचता है एमपी से, उसके बाद अभी साबरमती में है, वो जेल आने के बाद सबसे बड़ा गुंडा बनता है, और अब तो उसको दाऊद इब्राहिम के बराबर का डॉन माना जा रहा है, कहा जा रहा है अलग अलग चीजें। तो एक बंदा जो कुछ नहीं है, जेल जाने के बाद अब डॉन बनता है, तो हमारे जेल सिस्टम पे भी सवाल है, क्योंकि फोन तो वो हर एक क्यों कर रहा है, जेल में जैमर होता है, आपको पता है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जैमर बंद किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, 1 मिनट के 1 लाख रुपए फीस होते हैं एक जैमर बंद करने के लिए। तो फिर पूरा ये जुडिशियल सिस्टम, पुलिसिंग एंड देन जेल, ये सब मिलाकर हम फिर कहां जा रहे हैं? सर, इसको अगर देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में कि दरअसल ये एक तरह से सिस्टम फेलर है, क्योंकि बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, और ये अब तो प्रत्यक्ष है कि जो जेल है वो दरअसल स्कूलिंग है। आप एक समय में एक आप एडल्सेंट बच्चे को अगर वहाँ भर्ती कर दें या वो आ जाए, तो बहुत कम चांसेस है, हमारी जो प्रेजेंट सिस्टम है उस हिसाब से बहुत कम चांसेस है कि वो सुधर कर निकलता है। बहुत ही दफा ऐसा होता है कि वो और हार्डकोर क्राइम और जो क्रिमिनोजेनिक चीजें हैं वो सीख कर निकलता है। तो ये तो दरअसल फिलहाल, और ये केवल इंडिया में नहीं है, अगर हम देखें तो जो पूरा का पूरा जेल सिस्टम है वो हर जगह इसी तरह से बिहेव करता है, जहां से हम निकाल के ही लाते हैं क्रिमिनल्स। तो ये एक तरह से फेलर है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने लॉरेंस का एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इसके साथ साथ भी हैं कि जहां हम देखते हैं कि बहुत हार्डकोर चीजें निकल के आती हैं। मुझे, मैं इस पूरे डिस्कशन से ध्यान आया
कि लेकिन इसके साथ एक दूसरा पक्ष भी है सर, इस पूरे जैसे कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर साहित्य ले लें या पूरा समाज ले लें जहां हम ये देखते हैं कि इस तरह की क्राइम जो है वो गलत ही वो अपना पक्ष दे रही, ऐसा भी नहीं है। मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने की भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने की होती हैं, बताने की होती है और जानने की होती है कि जो गलत है और जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मौत बुलाती है कई कि, तो उससे हम ये ना सीखें कि जो गलत है, उससे ये सीखें कि क्या सही कर सकते हैं। डिस्कशन से मुझे ध्यान आया, मैं बताना चाहूँगा कि शायद 25 साल या 30 साल पहले की घटना थी नैना साहनी तंदूरकांड। हाँ जी, मैं आप इस मंच के माध्यम से बताऊं कि उसको सॉल्व करने का जो पूरा तरीका था ना वो शर्मा जी की किताब से लिया गया था, जो उस समय इन्वॉल्व थे मतलब पूरी पुलिस टीम उसमें इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें उन्होंने देखा था कि किसी ने अपनी बीवी को इसी तरह जला दिया और उस किताब के थ्रू वो गए और उन्होंने निकाल के लाया कि इस तरह से चीजें। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि दरअसल चीजें केवल ये नहीं है कि डार्क है, उससे हम चीजों को निकाल भी सकते हैं। चार्ल्स ओब्राइन जो पहली बार भागा उसको पकड़ने का जो तरीका था वो भी किसी न किसी पल्प फिक्शन किताब से लाया गया, क्योंकि वो पल्प फिक्शन की कोई किताब पढ़ के ही भागा भी था। आपको ध्यान होगा कि उसने लड्डू में कुछ वो दे दिया था और उसके बाद जेल में बर्थडे मनाया था और वो एक कोई मुझे जहां तक याद आ रहा है जेम्स पैटरसन की किताब थी, उस पे पूरा का पूरा फ्लो था कि वो कैसे भागता है। उसी किताब को पढ़ के फिर ये भी निकाला गया कि कैसे चीजों को हम उसको कहाँ गया होगा और कैसे ला सकते हैं, तो जो भी समय लगा लेकिन उसी से फिर वो आ पाया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी किताब किसी भी साहित्य या किसी भी इंसिडेंट से लेते क्या है, हम किसी भी इंसिडेंट से लेते क्या है। बिश्नोई को ही अगर हम देखें, लॉरेंस को अगर हमें वो दिखाई पड़ता है कि 20-22-24 या 28 साल का लड़का अगर बैठ के और जिम कर रहा है वहां पे और वो बात कर रहा है वहां से, हम दरअसल ये भूल जाते हैं कि वो बात जेल से ही कर रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वो अगर जमीन भी कर रहा है या बात भी कर रहा है तो वो दरअसल कोई सजा भोग रहा है। याद करने की चीज और समझने की चीज यह है कि वो किसी न किसी गलत काम के ही दर्जे वहां पर है। जी, आपसे दिलीप साहब यहाँ पे बड़ा सवाल सही बनता है, आप चूंकि एक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, क्राइम नॉवेल भी लिख रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। अभी जो लॉरेंस का जिक्र किया और हम जो सिस्टम की बात करते हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पुलिस मुजरिम को पकड़े, अदालत उसे सजा दे और जेल में वो सजा भुगते, और जेल ऐसी होनी चाहिए कि उसको वाकई लगे कि यहाँ सजा है, मजा नहीं है। लेकिन बदनसीबी ये है कि जेल आजकल सजा है ही नहीं, जेल से ज्यादा जश्न कहीं मनता ही नहीं है। तिहाड़ जेल दिल्ली में है, दिल्ली सरकार के अंडर आती है और ये वही तिहाड़ जेल है जहां से लॉरेंस बना। और तिहाड़ के आपको पता है 80 से ज्यादा लोगों को अभी करप्शन के मामले में सजा हुई। वो एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त भी तिहाड़ में बंद है, जिसने तिहाड़ के अंदर ही 2 करोड़ रुपए मंगा लिए रिश्वत के लिए। तो जब जेल की ये शक्ल होगी और जेल में इतनी फैसिलिटी होगी, कई तस्वीरें आई, कुछ एक आध दो नेताओं की भी अंदर तस्वीरें आई थी उस वक्त, तो आपको लगता है कि वाकई जेल जिस तरीके की होनी चाहिए और जेल में जो मुजरिमों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये तुम सजा काटने के लिए आए हो, सिस्टम में कहीं ना कहीं पूरी तरह के, मैं कहूंगा छोटी मोटी नहीं, पूरी ही कमी है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी जेल को उठा लें आप। तो एक तो ये कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो मेरा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जानने के लिए, पॉलिटिकल नहीं, एक यहाँ तो इस वक्त आप एक राइटर के तौर पर, राइट राइट, तो साहित्य तक का मंच है तो मैं उस पहलू को छूना पसंद करूंगा। मैं एक बॉलीवुड एक्टर हैं, बड़े अच्छे मजे हुए कलाकार हैं, के साहब, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। हाँ, के मेनन साहब, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उन्हें एक्टिंग का उन्होंने बताया कि हर आदमी के अंदर ना सारे रस, सारे गुणधर्म, या यूं कह लें कि व्यक्तित्व के जितने पहलू हो सकते हैं वो सब होते हैं उसके अंदर। यह मौका सिर्फ एक्टर्स को मिलता है कि कहानियों के जरिए उनमें से हर एक किरदार को अलग अलग फिल्मों में जी पाते हैं। मतलब एक आम आदमी के अंदर भी कभी किसी एक मौके पर थोड़ी पाश्विकता आती होगी, पर वो जी नहीं सकता, उसे वो छिपा के रखता है, उसे वो सहेज के बचा के रखता है, क्योंकि हमेशा खेल इस बात का है कि एक आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी, वो खेल तो रहता ही, कि वो खेल तो रहता ही रहता है। और इतनी सटीक बात लगी मुझे, जिन अपराधियों का जिक्र, मैं उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, इस मंच से हुआ, आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े कई कई लाख मेंबर्स के इन लोगों के फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं भाई साहब। बिल्कुल है। और ये लोग, इन लोगों की जब पेशियां होती है ना कोर्ट के अंदर भाई साहब,
तो इनके कोई चेले चपाट होते हैं, इनकी प्रॉपर स्लोमो वीडियो बनाते हैं और कोई झन्नाटेदार म्यूजिक लगाते हैं बैकग्राउंड में और सेलिब्रेट किया जाता है इनका प्रेजेंस। जिस समाज के 1,00,000 लोग किसी एक अपराधी के आवागमन को वीडियो में कैद करके और सेलिब्रिटी मोड ऑन करके और सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है उस समाज में अपराध और न्याय और नैतिकता इन सब में किसी न किसी मोर्चे पे अकाल पड़ा हुआ है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। यहां प्रकाशक भी बैठे हुए हैं, आप देखिए अपराध क्राइम फिक्शन छापना बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। क्यों होता है, सबसे सफल क्यों है छापने वाला या लिखने वाला, कि लोग इसमें कई सारी चीजें ढूंढते हैं पढ़ने वाले। एक तो कि थोड़ा सुरक्षित महसूस करना चाहता है, तो उसको लगता है कि यार ये वाला अपराध ऐसे हो रहा है तो मैं ऐसे बच सकता हूं, ये दिमाग में चल रहा है उसके। दूसरा क्या कि उसके अंदर की जो पशुता है वो ढूंढती है कि ये होगा तो फिर आगे क्या होगा, फिर इसके बाद ये कर देगा क्या, फिर इसके बाद ये कर देगा क्या, ये चल रहा होता। ये कैलकुलेशन उसके अंदर की के पाठक की क्यूरियोसिटी को आग देता है तो आगे पढ़ने के लिए और तत्पर होता है वो। लेकिन आप गौर करें तो यह सब कुछ अपराध और नैतिकता और न्याय के आसपास घूम रहा है। यह सिस्टम में भी है भाई साहब, यह समाज में भी है। यह सिस्टम का फेलियर है कि जेल के अंदर रह के कोई अपराधी फोन को एक्सेस कर पा रहा है, और यह सिस्टम के दृष्टिकोण से सामूहिक शर्मिंदगी का विषय तो है, लेकिन अगर अपराधियों की प्रेजेंस को भी कोई समाज का एक हिस्सा सेलिब्रेट कर रहा है तो उनके लिए भी कलेक्टिव शेम का मैटर है। हम सब क्या है, हम सब उसी के अलग अलग पहलुओं को कलम उठा के कागज पे दर्ज करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, आप ही का रिफ्लेक्शन है, हमारा कुछ है नहीं भाई साहब। असल में जो आपने कही सोशल मीडिया पर ग्लैमराइज करना, हमारे देश में एक अजीब सी एक चीज हो गई है। अब जो डॉन या गुंडे भी हैं वो दो तरह के हैं, एक राष्ट्रवादी डॉन और एक राष्ट्र विरोधी डॉन। बहुत सारे हमारे दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं और चूंकि यही सब पढ़ते हैं क्राइम की कहानियां, क्राइम के नॉवेल, तो इनको भरपूर मौका मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास अगर कुछ सवाल है हमारे चारों मेहमान, उनसे आप पूछ सकते हैं बारी बारी। माइक है यहाँ पे किसी के पास, कोई है कहाँ है? पहले तो ये हाथ उठा ले, और जिनको सवाल पूछना उनका आप नाम लेकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जी कौन है, आप ही पूछिए पहले। माइक इधर इधर दे। नमस्कार सर, मेरा नाम आलोक भूषण है और मेरा सवाल सबके लिए है, मंच के लिए है। क्राइम तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, राइट? जब तक दो आदमी समबडी सेट रहेंगे तब तक क्राइम चलता रहेगा। व्हाट वी नीड इज दैट पीपल्स बिलीव इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड एंड रिपोस्ट, राइट? एंड दैट शुड बी देयर दैट इफ समबडी फील्स दैट कि अगर उसका कोई एक खिलौना भी लेके चला गया है so there is somebody who can get that or get that wrong right corrected. So what can we do as a society, as a politician, as a writer to improve that faith in the criminal justice system? That's the question. Dekhiye, main is baat ko aise bataun ki jaise Hyderabad ka jo rape case hua usme charo balatkari encounter mein mare gaye, ya jaise aur विकास दुबे का जीप पलटी, ये सब हुआ। मुझे लगता है इन सबसे ज्यादा बड़ा केस नागपुर में हुआ, जब नागपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जब उसकी सुनवाई चल रही थी बहुत लंबे समय तक, तो पूरी की पूरी भीड़ अदालत के अंदर घुस गई और अदालत में ही मार डाला उस आदमी को। अक्कू यादव, हाँ अक्कू यादव, अंकु यादव, वो सबसे बड़ा केस था। बिल्कुल सही है, मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं, जब मायावती की गवर्नमेंट थी तो 3 बच्चे डिप्थीरिया के इंजेक्शन लगाने से मर गए। मैं 20-25 बीमार थे लेकिन मरे 3। उनको खोजते 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 जब मैं आगे बढ़ा तो वो 10,000 करोड़ का एनआरएचएम स्कैम था। उसको खोला तो 3 सीएमओ सरेशाम मार दिए गए, दिन में टहलते हुए मार दिए गए, एक को जेल में मार दिया गया। हम उस खबर में लगातार आगे चल रहे थे। जब मैं जेल पहुंचता हूं तो जिस दौरान वो एक डिप्टी सीएमओ ने 12 जगह से अपने शरीर की आर्टरी काटी, फिर उसके बाद 6 मेरे ख्याल से 1.5 फुट की बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा ली। सीबीआई ने भी यही कहा कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। लेकिन जिस वक्त की वो मौत है उसके 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का सीसीटीवी गायब है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी बिल्कुल ठीक है, क्लासिक चीज, उस एरिया का जो सब स्टेशन है
वहां से 4 घंटे के लिए शट डाउन कर दिया गया कि बिजली ही नहीं होगी। आपकी बात पर आता हूं, ये जो इंस्टेंट जस्टिस दिखता है ना आपको, या जो इससे खुशी हो रही है, ये वही नमक की बोतल है जो शम्स भाई ने कहा कि अंदर कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, उसको मजा आता है। ठीक मारे गए, अतीक मारा गया, ठीक मारा गया। आदमी को लगता है जितने लोग परेशान उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिल्कुल ठीक मारा गया, लॉरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो जो कर रहा है वो मिड्डा गैंग जो है उसके खिलाफ चल रहा है, ये कर रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, अदालत को फास्ट ट्रैक लाना पड़ेगा। इंस्टेंट तो फास्ट ट्रैक ही है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो, जल्दी जल्दी सब कुछ सजा सामने आ जाए, तभी ये हो पाएगा। आप नाम लेकर सवाल पूछ सकते हैं, और मैं चाहूंगा आप लोग अगर शॉर्ट में जवाब देंगे तो ज्यादा सवाल ले सकते हैं। मेरा नाम अखिलेश तिवारी है, मेरा मंच पे मौजूद सभी लोगों से सवाल है, इनफैक्ट आपसे भी सवाल है कि अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि बैड आतंकवाद और गुड आतंकवाद, वैसे ही आजकल सोशल मीडिया पे बैड क्राइम और गुड क्राइम हो रहा है। सपोज कि अगर मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ उसके खिलाफ क्राइम हो रहा है तो मेरे लिए वो बैड क्राइम है, अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूँ उसके खिलाफ क्राइम हो रहा है तो गुड क्राइम है, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल यही चल रहा है। लाइक अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान का जवाब अभी दिया है दिलीप साहब ने आपको, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं। आप स्ट्रेट सवाल पूछे जैसे जी आप पूछे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि, और आप पर्सनल मत लीजिएगा सवाल को, मैं आपको रोज सुबह मैं 2 घंटे की वॉक करता हूं। पर्सनल कुछ नहीं लेता। हाँ, बोलिए। मैं 2 घंटे की वॉक करता हूं, 1.25 घंटे आपका ही पॉडकास्ट सुनता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बट हमने सवाल इन सबसे पूछ लिया। हाँ। लॉरेंस या कोई भी क्रिमिनल हो, 2.5-3 घंटे की प्रोग्रामिंग हम रोज की इनको भी देते हैं, शायद अपना तो चैनल भी एक है, तो हाउ डज दैट जस्टिफाई? मतलब ग्लैमरस करने में तो सबका ही फिर there is everybody contributing to it, not just the authors, right? Not just the authors, not just the politicians, not just the police. सारे ही इसको glamorize कर रहे हैं। Even 3-3.5 घंटे अगर हम भी programming करते हैं इसके ऊपर, जिसको millions of views आते हैं, ठीक है, तो फिर आपने सवाल पूछा, मैं सीधे straight forward आपको जवाब देता हूँ कि अगर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, पहला मैं अपने आप को जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं मानता हूँ हम करते हैं, पूछे क्यों, बहुत ईमानदारी से, रोजी रोटी है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ क्राइम, लेकिन सच बताऊँ लोग यही देखते हैं और मैं दिखाता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग देखना बंद कर दें, मैं दिखाना बंद कर दूंगा। क्या होता है कि एक दिल्ली में कोई गरीबी से अगर ये भूख से 5 लोग एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया, मर गए, कोई नहीं देखता है, हम सब पत्थर दिल हो चुके हैं। लेकिन वही मैंने कहा, एक मॉडल का रेप हो गया, लॉरेंस बिश्नोई आ गया, या फिर कोई भी डी कंपनी हो गई, शौक से लोग देखते हैं। और देखिए, आपने भी इतना ध्यान से आपने सवाल पूछा, 2-2.5 घंटे आप अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है 2-2.5 घंटे आपको याद है कि लॉरेंस दिखाया जा रहा, आप भी देख रहे थे। नेक्स्ट पूछो। सीधे सवाल पूछ रहे हैं सर। मेरा नाम रवि कुमार है। जैसा कि आज का चल रहा है एनकाउंटर पे, मैं बोलना चाहूंगा कि मान लो कोई क्राइम हुआ और किसी को शक हुआ, किसी के आधार पे गोली मार दी गई, लेकिन कुछ चीजों में ऐसा पता चलता है कि बाद में यार ये क्राइम जिसने किया है वो तो एक्चुअल वो बंदा था ही नहीं जो एनकाउंटर मारा गया, लेकिन वो बंदा जो एनकाउंटर जो उस घटना में शामिल था वो तो कोई तीसरा ही था, तो जो एनकाउंटर मारा गया उसका क्या? दूसरा, जैसे मैं रेलवे में हूँ, बहुत छोटी सी घटना। सीधा एक सवाल पूछो दोस्त, ये हम एनकाउंटर में कौन मारा गया, कैसे मारा गया, यहाँ बोलकर सही नहीं है, क्योंकि ये पुलिस का काम होता है केस टू केस। तो सर ये मुझे ये आप ठीक है सर, ये जो कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तुम खुश हो इस जवाब से, बिल्कुल ठीक नहीं है कुछ। हमारे मेहमानों से सवाल पूछो यार, सिर्फ क्राइम और इसके बाद मुझसे पर्सनल पूछना है, मैं यही हूँ, तुम लोगों से बात करूंगा, ठीक है? मेरा सर यही था, फिर कोई बात नहीं। कुछ ठीक नहीं है लेकिन चलो, नहीं थोड़ा सा ठीक हुआ है हमारे। अच्छा? यूपी में एक हाफ एनकाउंटर हो रहा है। यूपी का तो कमाल है सर, एक हाफ एनकाउंटर, मैं बता रहा हूँ सर, सारे पुलिस वालों को वहाँ ओलंपिक में भेजना चाहिए, बेहतरीन शूटिंग। पैर पे क्या सटीक निशाना लगता है आपने देखा नहीं है, मैंने 150 ऐसी टांगे देखी, एक ही जगह पर गोली लगती है, दाएं ना बाएं। 3800 हो चुके हैं भाई, 3800 हो चुके हैं हाफ एनकाउंटर, तो मतलब उसमें आदमी की जान नहीं जाती, घुटने का पटाला तोड़ देते हैं गोली। थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा शम्स भाई जी, जी हम हमारे अंदर जो है ना, हम सबके अंदर जो मैं बता रहा था कि अलग अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज हैं। आप सोचिए, जब महाभारत लिखी गई थी तो जब अश्वत्थामा वाला केस हुआ था भाई साहब, जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया यह मालूम नहीं कि नर है कि हाथी, उसी समय बजा दिया गया जोर से, कुछ 5 जन बजा दिया कृष्ण जी ने, और वो
कौन है, वह हाथी मारा गया कि द्रोण का पुत्र मारा गया, वो ब्लर हो गया, वो क्लैरिटी नहीं आई। अब आप समझिए कि चूंकि जो युधिष्ठिर है वो राइट साइड में है, तो हमने उसके इस दोष को स्वीकार कर लिया, अपने अपनी रीढ़ को हल्का सा हमने बेंड कर लिया, हल्का सा झुका लिया, और इस कहानी के आखिर में छोटी सी सजा दे दी कि जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे युधिष्ठिर तो उनकी कोई उंगली उंगली गल गई थी सजा के तौर पे। लेकिन उस बीच कहीं भी हमने युधिष्ठिर के मोरल कंपास को क्वेश्चन नहीं किया कहीं भी। तो ये द्वैत हमारे अंदर कैसे जिंदा है, ये दोहरापन लेके हम कैसे अपने आप को सही बता पा रहे हैं, कैसे अपने आप को वाइट बता पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। यही हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि जो जो गुड क्राइम बैड क्राइम हो रहा है, जो क्रिमिनल्स को सेलिब्रेट करने वाले जो लोग हैं, ये हम हमारे अंदर की रीढ़ को अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर ले रहे हैं, और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग लिख के आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश। आप पूछिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल कुछ चीजें घूम रही हैं, ये महात्मा गांधी के मर्डर के बारे में, कि वो उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था जी, तो कितनी गोली लगी है मालूम नहीं था, वगैरह वगैरह, इस टाइप की कई कमियां थी उस केस में, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी कही है, जजमेंट में भी कही है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना? खुशवंत सिंह जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है पूरी बापू के मर्डर के ऊपर, आप वो पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी सर। और मैंने बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अब याद भी नहीं है कहाँ है, तो उसमें भी मिल जाएगी। आप इस वक्त मैं चाहूंगा आप ही लोग सभी लोगों से गुजारिश है, हमारे जो चार मेहमान हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधे नाम लेकर पूछ लीजिए, क्योंकि आखिरी कुछ सवाल हैं, उसके बाद लास्ट एक बुक का विमोचन है और फिर वक्त भी हो रहा है, पूछे। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? सर, मेरा आप सभी से सवाल है कि आज के समय में साहित्य पे चर्चा बहुत कम हो रही है, आप यहाँ भी देख लीजिए, राजनीति पे के चर्चा करने के लिए इतना बड़ा स्टेज बनाया आपने और साहित्य के लिए कोने में बैठा दिया है, क्या बात करते हैं आप साहित्य? मैं क्वेश्चन कम्प्लीट कर देता हूँ। सर, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ। तो सर, मेरा स्पेशली सवाल दिलीप पांडे सर से आपसे है कि आप भी राजनीति में हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो राजनीति के साथ साहित्य, कैसे मैनेज कर लेते हो, मतलब कैसे कर लेते हो? हाँ, कैसे कर लेते हो? सर, मैं चाहूंगा शॉर्ट में सब जवाब दे। तो देखिए, सियासत में आने से पहले भी कलम हाथ में थी, और कल को जब सियासत नहीं रहेगी तब भी कलम हाथ में रहेगी, तो चलता रहेगा। जी, आप हाँ पूछे पूछे। हेलो सर, माय नेम इज हिरेन, एंड मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि जब आप क्राइम थ्रिलर लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी आप कैरेक्टर क्रिमिनल कैरेक्टर है उसकी साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं फॉर द रीडर्स, तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे? कर्नल साहब, इसका आप जवाब दे दो। मुझे लगा सत्यव्यास ने माइक उठाया था तो मैं बच जाऊं। इसके बाद सत्य प्रकाश जी भी इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि आप सभी से सवाल है। दरअसल मैं अपने बारे में बोलूंगा और जिन लेखकों को जानता हूं, हम सब जो भी लिखते हैं आसपास के अर्जित अनुभवों से लिखते हैं, किसी न किसी किरदार को, जैसे कि त्रिपाठी साहब बोल रहे थे कि उनके किरदार असली जिंदगी किरदार, जो मैंने लिखा है, मैं फौज से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे जो किरदार है फौजी के, तो मैं उनको जानता हूँ, तो ऑब्वियसली उनकी साइकोलॉजी को डेवलप करने में पेज पे जब वो करता हूँ तो चूंकि मैं जानता हूँ, इसलिए कई बार उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के आहार व्यवहार उसको उभरता, जब लेखक लिखते जाता है वो एक फ्लो में बनते आता है। बाकी जवाब सत्यव्यास देंगे, बड़ी किताबें लिखी है इन्होंने। देखो ऐसा है ना कि हम क्रिमिनोजेनिक ट्रेट्स देखते हैं किसी भी कैरेक्टर में। आप देखो सारे ह्यूमन ट्रेट्स ही होते हैं, अगर आप फैंटेसी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो जो भी ट्रेट्स हैं वो ह्यूमन ट्रेट्स ही होते हैं, उसको फिर वही आप वाइट और ब्लैक के बीच ले आते हैं, ठीक है। ब्लैक बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे होते हैं आपको, अब मैं जैसे जो नॉन वेज खाते होंगे मान लीजिए, तो तीन तरह के लोग होते हैं, एक नहीं खाते हैं, दूसरे जाते हैं लेकिन वो कटते हुए नहीं देख सकते हैं, खाते हैं वो भी हैं, और तीसरे वो होते हैं जो कटते हुए भी देखते हैं और काटते भी हैं, ठीक है। ये इन तीनों में से कुछ भी क्राइम नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेट्स है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर तुम किसी सीरियल किलर को पुट कर दो, ठीक है, कि वो डिफ्लेशिंग कैसे करता है, ठीक है, या उसको उसमें क्या मजा आता है, वो उसमें क्या, उसमें उसको ऐसा मिलता है जो उसको किक देता है, ठीक है, तो ये फिर तुम्हारे कैरेक्टर का की डिटेलिंग हो गई। तो दरअसल आप हमें अपने आसपास की चीजों से लेना पड़ता है, और सबसे जरूरी है कि आप पढ़ते कितना हो,
ठीक है, आपने अचानक से शुरू किया कि आज मैं कोई क्राइम फिक्शन लिखूंगा, तो नहीं होता ऐसा। वो उसके पीछे की बहुत सारी मेहनत होती है कि आपने पढ़ा कितना है, आपके अपने यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इन सबों में हो सकता है कि कोई, और होगा ही कि एक ना एक कोई ऐसा ट्रेट हो जो डार्क ट्रेट हो, ठीक है, इतने लोगों की कहानी तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर आपने इतने लोगों को पढ़ा है तो आप अपने कैरेक्टर में इसमें से मैक्सिमम ट्रेट्स पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है। उसके बरक्स जो आप कैरेक्टर रखते हैं वो आपका जो होता है वो वाइट ट्रेट्स का कैरेक्टर होता है, और फिर दोनों का झगड़ा होता है जो कहानी चलती है। देखिए, कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मार्वल का वर्ल्ड है, चाहे थैनोस हो या कोई हो, इसके ट्रेट्स कहां से लाएंगे, कहां से सोचेंगे कि कैसे आदमी उड़ सकता होगा, आयरन मैन होगा, थैनोस होगा, ये होगा, इवन जेम्स बॉन्ड, इवन मुन्ना भाई एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना, तो इसको किससे सोचेंगे, किससे मिलाएंगे, इसकी तो आप रिसर्च भी नहीं कर सकते कि कोई आदमी उड़ सकता है, लोहे का हो सकता है, बैटमैन हो सकता है। ये कभी कभी आप खुद उस किताब के भगवान होते हैं, उस कैरेक्टर के भगवान होते हैं जो आप एक चरित्र बनाते हैं, क्योंकि लेखक वो व्यक्ति है जिसको माँ सरस्वती डिक्टेट कर रही होती है और वो डिक्टेशन लिख रहा होता है, तो गॉड को फील करेंगे, कैरेक्टर अपने आप बनेगा। आखिरी सवाल। मेरा सवाल दिलीप सर से है। सर, लाइक आपने अभी जिक्र किया कि क्राइम करते हैं और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक क्राइम करता है और उसके पीछे नेशनलिज्म का चोला पहन करके वो कहता है मैंने देश के लिए किया, मैंने देश के लिए, इसका सोल्यूशन क्या है? मीडिया भी उसको सेलिब्रेट करता है, इसका अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है, कैसे खत्म होगा ये चीज एक्चुअली? तो हम लोगों को जो है अपने दोहरेपन का चोंगा जो उतारना पड़ेगा, हम लोग जो है ना जो एक सामाजिक जिम्मेदारी का जो बोध है हमारे अंदर से जो मर रहा है धीरे धीरे, उसको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, दोहरेपन को छोड़ना पड़ेगा, और सही और गलत और उनके बीच का जो ब्लड लाइन है तीनों के को डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा। कबीर सिंह हीरो नहीं हो सकता। एक बार फिल्म बनी थी शाहरुख खान की, तो उसमें वो विलन था, लेकिन लिखने वाले ने इस बात का ध्यान रखा कि चूंकि इसके अंदर इसके जो गुण है वो नेगेटिव, इसको आखिर में मरना है तो मार दिया, लेकिन कबीर सिंह को मारा नहीं है। पुष्पा पार्ट टू बन रही है क्योंकि हम पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम दोहरेपन में जी रहे हैं, क्योंकि हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब बाकी चीजें बाहर की जो है वो होंगी। देखिए, वक्त हो रहा है, हमारे नए सेशन के लिए मेहमान भी आए हैं, लेकिन आपके सारे सवाल जो लोगों के, उसको मैं कंक्लूड कुछ इस तरह से करता हूं, जो इनकाउंटर लॉरेंस सबकी बात हुई, कि अगर एक बार जेल सजा सही मानों में देना शुरू कर देना तो क्रिमिनल कांपेगा, और पुलिस वाले अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करें तो पुरानी कहावत है कि एक मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता अगर पुलिस चाहे तो। हमारे देश में इस वक्त लगभग 1350 जेलें हैं, उनमें करीब करीब 5,25,000 कैदी बंद हैं, लेकिन 5.5 करोड़ केस मुकदमे देश की अलग अलग अदालतों में, 5.5 करोड़। सोचिए, आप रेप करो, मर्डर करो, आपको पता है 20 साल तो मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं, तो जब खौफ ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्राइम करोगे, और यही हमारी बदनसीबी है। अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए, हो सकता है क्राइम कम हो, खत्म नहीं होगा कभी, ये तो मैं जानता हूं। अब इस प्रोग्राम को खत्म करूं उससे पहले एक और, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एक विमोचन है, तो दिलीप पांडे साहब, चंचल शर्मा जी और रोहित साकुनिया जी, मैं चाहता हूं कि आप स्टेज पर आएं और इनकी एक फिर वही खूनी खूनी बातें, खूनी खंजर, एक नई बुक जिसका विमोचन गुलाबी खंजर। और ये किताब थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी गई है, हम तीन मतलब लोगों ने मिलकर लिखी है। मौत के भी फेवरेट कलर होते हैं। तो हम तीन दोस्त हैं, हम तीनों ने मिलकर लिखा है, और ये बड़ा अनूठा प्रयोग है। अमूमन साहित्य में ऐसे उद्धरण कम मिलेंगे जहाँ पे दोस्त मित्र मिलकर लिख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अब अगले सेशन के लिए मुझे अभी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शैलेश जी, आपका भी छापने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।